हाय, दिस इज तस्कीन खान एट लारा बीच इन टर्की। आप देख रहे हैं वाओ टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। मिडिल ईस्ट में अगर आप रहते हैं तो एक बात तय है कि वहाँ पे सेटलमेंट, चाहे आप 40 साल गुजार लें, 50 साल गुजार लें, एक दिन आपको पाकिस्तान जाने पड़ेगा। ये ख़ास तौर पे मैसेज है उन पाकिस्तानी मसीहों के लिए जो बरसा बरस से मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया या अरब ममालिक में रहते हैं। तो अब एक बात और भी देखें कि पाकिस्तान ठीक है, हमारी जन्मभूमि है, लेकिन आपने देखा कि अब जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको कानून भी नज़र आएगा, आपको एक शहरी की इज़्ज़त भी नज़र आएगी, इस नफ्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी नज़र नहीं आएगा, और एक आपको तसल्ली रहती है। इवन ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो है, मेरे पीछे भी आप देख लेंगे ट्रैफिक रवा दवा है इस वक्त बरतानिया में, तो एक डिसिप्लिन नज़र आएगा। लेकिन जब आप पाकिस्तान जाते हैं, बशमूल मैं भी जब विज़िट करता हूँ, तो हॉर्न पड़ते हैं, वो दिल अजीब सा होता है, और चलाकियाँ, करप्शन और लोगों की अजीब सी बातें। तो आप खुद इमेजिन करें कि 40-50 साल गुजार के दूसरी तीसरी नस्ल आपकी दुबई या मिडिल ईस्ट में पैदा होती है, तो बाद में आपको पाकिस्तान जाना पड़े। तो बहुत से लोगों को सुना है कि बड़ा वो अनसेटल होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते माशरे में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान की तरक्की में कोई हिस्सा ना डालें या पाकिस्तान ना जाएं, ये बात नहीं है, लेकिन ये कि आप कुछ और भी सोचें। आप पाकिस्तान की खिदमत पाकिस्तान से बाहर रह के भी जिस तरह पहले भी करते हैं, अब भी कर सकते हैं। आप इस तरह प्लान करें कि कल कलाम को जब आपको छोड़ना पड़े मिडिल ईस्ट अरब ममालिक, तो आप अमेरिका, कैनेडा, बरतानिया या मगरबी ममालिक में जा सकें, ऑस्ट्रेलिया में जा सकें। उस पर आप ज़रूर प्लान करें, अभी से प्लान करें। तो अगर आपको लगता है कि ये ऐसी सजेशन है कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो सकता है, तो आप ज़रूर अपनी राय भी दीजिए, और ये एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आपकी, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान के हालात अजीब से हैं, और इंडिया के पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त बनता ही नहीं है। इंडिया के लोगों का मुझे नहीं पता, वो NRI कहलाते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं NRI, वो भी अपने मुल्क के लिए बड़ा खिदमत अंजाम देते हैं। आप भी दे रहे होंगे और आप भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप जो ज़रा मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में। लेकिन इस बात पे ज़रूर गौर करें, अगर आप इससे मुतफिक हैं तो आप इस वीडियो को भी शेयर करें, फिर इस पैगाम को आगे से आगे पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, खुदा को से इंडिपेंडेंट वॉइस, उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।